राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के कहने के मुताबिक देवराज इंद्र पहुंच जाएंगे कर्ण के पास और उनसे उनके सारे कवच मांगने की अनुमति मांगेंगे। यहाँ पर कर्ण है देवपुत्र और वो अंतर्देव का भेष बदला हुआ भी देखकर समझ जाएंगे कि वो कौन है। कोई ऐसे ही महात्मा नहीं जो उनसे दान में उनका कवच मांग रहे हैं, बल्कि वो जैसे ही इंद्रदेव का नाम लेंगे और वो कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आई इतनी ऊंची हरकत पर उतर आए आप देवराज इंद्र की? आप मुझसे अर्जुन की रक्षा करने के लिए, अपने बेटे को जिताने के लिए आप मुझसे मेरी शक्ति मांग रहे हैं, लेकिन भी मैं अपने वादे का पक्का हूँ। इसलिए मैंने आपको ये वचन दिया था कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दान में अवश्य दूंगा। इसलिए मैं आपको अपना कवच देने के लिए सज्ज हूँ। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि अर्जुन को मारने के लिए मुझे मेरे कवच की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे अर्जुन को मारना होगा तो मैं वैसे भी मार सकता हूँ। ये कहकर देवराज इंद्र के समक्ष कर्ण अपने सारे जो भी उनके कवच होंगे वो अपने चाकू की मदद से निकाल करके अपने आप को लहूलुहान करके दे देंगे, जिसे देखते हुए इंद्रराज को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होगी और वो अपने चमत्कार से वरदान स्वरूप कर्ण के सारे जख्म भर देंगे। बदले में वो कर्ण को एक उपहार भी देंगे, जिसके एक बार प्रहार से कर्ण किसी को भी मार सकता है और इसको चला करके वो अर्जुन की भी हत्या कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जाएगा, ऐसा इंद्रराज कर्ण को बताएंगे। और ये कर्ण लेने के बाद उसे युद्ध भूमि में जाएगा, लेकिन उससे पहले दूसरी तरफ राधा रानी श्री कृष्ण से ये सवाल जवाब करेंगी कि आखिर ये क्या हो रहा है कृष्ण, कहाँ का अधर्म और धर्म है ये कृष्ण कि तुम किसी को निशस्त्र करके युद्ध के लिए भेज रहे हो। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी को समझाते हैं कि आखिर उन्होंने कर्ण से उसका कवच क्यों लिया और आखिर क्यों उन्होंने इस तरीके का इंद्रदेव को आज्ञा दी कि कर्ण से जाकर के उसका कवच ले आए। कृष्ण के पीछे इसकी मंशा के जानने के बाद श्री राधा रानी को उन पर और भी ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। वो कहेंगी कि मुझे माफ़ कर दो कृष्ण, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो मैं सोच ही नहीं पाई। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण राधा रानी पर पूरा फैसला छोड़ते हैं और वो पूरा रीज़न बताते हुए कहते हैं, लेकिन कहोगी जो तुम होगा वही, क्योंकि सखी की आज्ञा मेरे लिए आदेश। तो अगर तुम चाहती हो कि युद्ध में कर्ण जीते तो जीतेगा कर्ण ही, लेकिन जो कुछ मैंने किया है वो उसके ही भले के लिए किया है। यहाँ पर राधा रानी कहती हैं कि नहीं नहीं, जो तुम कर रहे हो वही उचित है कृष्ण, मैं तो भावनाओं में बह गई थी, इसीलिए कर्ण को मैं कुछ और स्वरूप से देख रही थी, लेकिन जो तुमने सोचा है वही उत्तम है। वहाँ युद्ध भूमि में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण घटोत्कच को बुलाएंगे और युद्ध भूमि में उससे लड़वाएंगे। वो कौरवों की बहुत सारी सेना को तहस नहस कर देगा, लेकिन जो दुर्योधन जैसे ही देखेगा यहाँ पर आते हुए घटोत्कच को, वो भयभीत हो जाएगा और वो कर्ण से ये आज्ञा देगा कि तुमने जो इंद्रराज देव ने वो सहस्त्र दिया है तुम उसे उपयोग करो और इससे घटोत्कच का वध करो। मित्र को समझाने के बाद भी दुर्योधन एक पल के लिए नहीं समझेगा कि आखिर वो ये शस्त्र अर्जुन के लिए बचाना चाह रहे हैं और दुर्योधन की आज्ञा के स्वरूप कर्ण को यहाँ पर मजबूरी में घटोत्कच को उस वरदान दिए वाले शस्त्र से मारना होगा जिसको वो अर्जुन के लिए बचाना चाह रहे थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अयन राधा रानी से ये कहता है कि चलो राधा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा रुकने का कोई कार्य नहीं है। राधा रानी अयन को रोकती हैं और कहती हैं कि युद्ध शेष है, युद्ध समाप्त हो जाए उसके बाद तुम चले जाना अयन, जब तक तुम और यहाँ पर कमाई कर सकते हो और ज़्यादा धन इकट्ठा कर सकते हो। अयन यहाँ पे कहता है कि राधा, मुझे नहीं पता ये युद्ध कब तक चलेगा, कितने वर्षों तक चलेगा, ऐसे में फिर यहाँ के
पूरे लोग भुखमरी से और महामारी से भी मर सकते हैं। इससे पहले मेरा नुकसान हो, मुझे यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जैसे ही राधा रानी ये बात सुनती हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और पूछती हैं, अयन हम कहाँ जा रहे हैं? तो अयन राधा रानी के निकट आता है और कहता है कि तुमने मेरा प्रेम उस कपटी कृष्ण के सामने स्वीकार किया था, तो फिर अब तुम्हारा यहाँ रुकने का क्या मंतव्य है? तुम मेरे साथ चलोगी? राधा बोलो, क्या तुम्हें ये स्वीकार है? मैं तुमसे आखिरी बार कुछ मांग रहा हूँ, मुझे निराश मत करना। बोलो, क्या तुम मेरे साथ लौट के चलोगी? क्या तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करोगी? जैसे ही राधा रानी दुविधा में होती हैं, वहाँ श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं और कहते हैं, बड़े भैया ये अवश्य जाएगी। साथ ले जाने के लिए कृष्ण राधा को फोर्स करते हैं और कहते हैं, राधा तुम्हें बड़े भैया की बात मान के उनके साथ लौट जाना चाहिए। कृष्ण की बात सुनकर राधा रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनको आंखें दिखाती हैं। यहाँ श्री कृष्ण और अयन के बीच में बातें होती हैं और श्री कृष्ण एक बार फिर अयन को छेड़ते हैं और कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरा कर्जा बिना उतारे ही यहाँ से जाना चाह रहे हो? अयन को गुस्सा आ जाता है। वो कृष्ण से कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो? अगर ये युद्ध युगों युगों तक चलेगा तो क्या मैं यहीं रहूंगा? यहाँ पर श्री कृष्ण अयन को बताते हैं और कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 3 दिन युद्ध चलने वाला है, उसके समक्ष आप चले जाइएगा, लेकिन 3 दिन की बात है बड़े भैया। साथ ही श्री कृष्ण अयन को एक चुनौती देते हैं जिसे पूर्ण करने के लिए अयन भी हामी भर देता है। अब देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग, कि आखिर श्री कृष्ण ने अयन को जो 3-4 दिन के लिए रुकने को कहा है, ऐसे में आखिर क्या होने वाला है अयन के साथ और क्या राधा रानी को लेकर कि वो हमेशा हमेशा के लिए लौट जाएगा बरसाना, ये भी देखना होगा, बेहद दिलचस्प। Oh, 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 oh